नेपाल की राजधानी काठमांडू से डायनामाइट न्यूज़ पर इस समय एक बड़े विमान हादसे की खबर सामने आ रही है। टेक ऑफ के दौरान यहां एक विमान रनवे से फिसल गया और उसमें भीषण आग लग गई। विमान सवार 19 लोगों में से अब तक 13 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। डायनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक ये हादसा त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ। विमान टेक ऑफ के दौरान अनियंत्रित होकर फिसल गया। हादसे का शिकार हुआ विमान शौर्य एयरलाइंस का था, जो काठमांडू से पोखरा जा रहा था। विमान में चालक दल के सदस्य समेत कुल 19 लोग सवार थे। हादसे के बाद विमान में भीषण आग लग गई और दूर दूर तक धुएं के बड़े बड़े गुबार उठने लगे। हादसे की सूचना के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। विमान में सवार सभी लोगों के बचने की बेहद कम संभावना है। त्रिभुवन एयरपोर्ट पर विमानों का संचालन रोक दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़, काठमांडू।